ओपी सिंह जी को श्रेय जाता है इस सारे रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के आयोजन का। ये लगे हुए हैं, सारे स्टाफ को भी साथ लिया है, जनता को भी साथ लिया है। रन फॉर यूनिटी का ये जो कार्यक्रम हुआ है सिरसा के अंदर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देश भर में जो रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सिरसा का ये कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है ये साबित होगा। कल तक 50,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज जिस प्रकार की संख्या आपने देखी है, मुझे लगता है 60,000 से ऊपर युवा ये इस रन फॉर यूनिटी में दौड़े हैं। और इसका एक संदेश, देश की एकता अखंडता का संदेश, सरदार पटेल जी ने जिस काम के लिए अपना पूरा जीवन लगाया उसका संदेश तो जाएगा ही। साथ में युवकों को जो दवाइयों से, औषधि से, नशे की जो बुरी लत पड़ गई है उसके खिलाफ भी हमने जनजागरण करने के लिए जो कहा है उसका एक संदेश भी युवकों में जाएगा। हमने माता पिता को भी अपील की है कि अपने बच्चों को इस दोष से, इस बुराई से दूर रखें और जो लोग एडिक्ट हो गए हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी हम करेंगे ताकि इन युवकों को एक मुख्य धारा में ला करके और अपना जो भविष्य है वो सुधारने का मौका मिले। मैंने बताया कि ये अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं और अवेयरनेस के कार्यक्रम जितने ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। आज सभी प्रदेश, सभी जिलों में ये अवेयरनेस के इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आगे भी हम विचार कर रहे हैं कि जैसे हमने राहगिरी जैसे कार्यक्रम सभी जिलों में शुरू किए हैं, उसी प्रकार वर्ष में हर जिले में कोई एक बड़ी मैराथन ये करने का हमारा कार्यक्रम है। हजारों की संख्या में युवक आए और एक अवेयरनेस के नाते से अच्छी दिशा में अपने आप को लेकर के जाए। नशे की रोकथाम के लिए कोई खास कोई बजट भी सर कोई सरकार करने जा रही है? वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट है, हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट हैं वो सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से और भी जो आवश्यकता पड़ेगी इस सब बीमारी को दूर करने के लिए सरकार सचेत। वो भी अपने आप को संभाले और दौड़ने की आदत लगाए, खेलने की आदत लगाए, इस प्रकार से हमारा युवा बचा रहेगा। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। देखिए 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका आज शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है और कुल मिलाकर के 20.5 करोड़ रुपए की राशि के ये प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें विशेष तौर पर डबवाड़ी का जो 60 बिस्तर का अस्पताल है उसको 100 बिस्तर का अस्पताल किया गया है। एक सड़क का शिलान्यास भी है। इसी प्रकार से माइनर्स के भी कुछ शिलान्यास हैं। तो ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स का ये आज शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, जनता को समर्पित किया। वैसे तो कल भी हमने 3 विधानसभाओं में 352 करोड़ रुपए के जनता को इस प्रकार से घोषणाएं की हैं, जनता को प्रोजेक्ट्स आगे चल करके दिए जाएंगे।
और मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने जितना विकास का काम इन चार सालों में किया पिछली किसी सरकार ने नहीं किया, और विशेष तौर पर सिरसा जिले में विकास के काम खूब हो रहे हैं। कि मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है कि किसी के परिवार के झगड़े में मैं अपनी खुशी बनाऊँ। पारिवारिक झगड़ा किसी का भी अच्छा नहीं होता है, उनको उसको ठीक करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक राजनीतिक प्रश्न है, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिन लोगों को अपने परिवार को संभालने का भी संस्कार नहीं है वो जनता को क्या संभालेंगे। इसलिए जनता सब देख रही है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जो भी उसका जिस प्रकार का व्यवहार होगा जनता उसी प्रकार का परिणाम देगी। मुख्यमंत्री जी ने सौगातें दी, दीपावली के तोहफे दिए हैं सिरसा में पहुंचकर, तो क्या लगता है चुनावी वर्ष में लोगों को लुभाने के लिए इस प्रकार? ऐसा नहीं होता है, हम लगातार चार वर्ष से काम कर रहे हैं, पाँचवा वर्ष का भी हमारा काम है। हाँ, पाँच वर्ष में हमारे काम में तेज़ी ज़रूर आएगी, क्योंकि कोई भी जो काम का करने का तरीका होता है जब आखिरी समय होता है उसमें पूरी शक्ति हम लगा करके काम करने का अभ्यास हमारा बना हुआ है। हम पाँचवें वर्ष में खूब डट करके 20 बसों का मामला हाईकोर्ट में पहुँच गए, अब आगे क्या सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, हमारा कहना है कि सरकार का अपना यही स्टैंड है कि जो नीति बनाने का काम है वो सरकार का होता है, एम्प्लॉइज़ के हित की बात जो है वो एम्प्लॉइज़ यूनियन को करनी होती है। एम्प्लॉइज़ यूनियन से हमारी बात भी चल रही है, और इसमें कहीं भी एम्प्लॉइज़ का अहित नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर अब कोर्ट में ही चला गया है तो ये तो और अच्छा हो गया कि अब निर्णय जो है अब कोर्ट ने करना है, उसमें निर्णय हमारा और यूनियन के बीच का तो ख़त्म ही हो गया। इसलिए यूनियन के लोगों का मेरा विनम्र उसमें अपील है कि अब इस विषय को कोर्ट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और 720 बसों का जो निर्णय है वो वापस ले लिया जाएगा सरकार में आने के बाद, आप क्या कहते हैं? देखिए, वो सरकार में आएंगे नहीं आएंगे वो तो क्या ना नोमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए, इसलिए ख्याली पुलाव बनाते रहें कुछ भी। और मेरा कहना है कि आखिर वो अपने समय में भी जब प्राइवेट बसों का विषय लेकर के आए थे तो वो चलाई थी उन्होंने, आखिर उन्होंने तो प्राइवेट एकदम सोसाइटीज़ को बनाया था, हमने सोसाइटी नहीं बनाई है, हमारा कोई प्राइवेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ये बसें तो सीधी सीधी बेड़े में जोड़ी जा रही हैं, यानी